देवता का राज्य आ गया है, राक्षस लोग कम हो रहे हैं। देश के इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव 7 चरणों में होंगे। वो अपना कैंडिडेट दे देते हैं, चाहे जो भी दे देते हैं, समझेंगे कुत्ते को भी अगर दे देंगे तो भी चुनाव जीत जाएगा। कोई भी टक्कर आए सब भस्म हो जाएगा। जो है भारत सरकार भाजपा की होनी जरूरी है। सपा गए तो इस बार वही अखिलेश सरकार लग रहा है, तो मोदी के अलावा क्यों नहीं? 24 तक में क्यों मोदी नहीं लाए सर? हम तो सिर्फ मायावती को सपोर्ट करते हैं हमेशा से। हमारी टीम पहुंच चुकी है प्रयागराज आम जनता से बात करने के लिए, क्योंकि प्रयागराज में 25 मई को वोटिंग होनी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ का क्या माहौल है। जो प्रतिपाल है वही नरेशा, जहाँ बसे हुए सुंदर देशा। अगर आपने हमारी रक्षा किया है तो हम भी आपके लिए तत्पर हैं ना। आपने इतना बड़ा प्रबंध किया, हमारा प्रशासन पुलिस प्रशासन यहाँ हर समय ड्यूटी दे रहे हैं। हम पहले से ज्यादा भक्त आ रहे हैं या कम है? सरकार नए अब तो सही आ रहे हैं, भगत आ रहे हैं, सब जनसंख्या बढ़ रहा है, कोई भय नहीं है। नहीं तो दिन डूबते हुए यहाँ सब छोड़ लेते थे, मारते थे। अब क्या है, अब तो आनंद है, आनंद है। और कहा है कि मानुष मानुष सब कहे, मानुष में कुछ भेद, मानुष में देवता बसे, मानुष बसे परे। ए देवता का राज्य आ गया है, राक्षस लोग कम हो रहे हैं। संगम में नहाने के बाद हनुमान जी के दर्शन किए जाते हैं, उसके बाद उनकी पूजा कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं। अब कहते हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई है यहाँ पे काफी ज्यादा सुधार हुआ है। पहले प्रयागराज में और अब के प्रयागराज में क्या फर्क है? अंतर है, बहुत डिफरेंस है। आज देख रहे हैं चारों तरफ से जो है हर तरह से बहुत व्यवस्थित दिखाई दे रहा है। जो चारों तरफ कचड़े दिखाई देते थे वो कचड़े नहीं है। हमारे देव स्थान जो है काफी साफ सुथरे और बहुत सुंदर दिख रहे हैं। तो इसका फायदा चुनाव में पड़ेगा? जरूर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, 100% पड़ेगा। क्या आपको लगता है इसका फायदा चुनाव में पड़ेगा सर? जरूर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। जो अच्छा काम करेगा तो पड़ेगा ही ना। अच्छा, क्या कह रहे हैं सर आप? सब बीजेपी वाले इसमें है सर। अच्छा, सपोर्टर है या फिर सिर्फ काम से प्रभावित? नहीं नहीं नहीं, काम से प्रभावित है ना, सरकार से प्रभावित है। हो सकता है समाजवादी पार्टी का बोलबाला भी तो है, वोट परसेंटेज काफी अच्छे है। ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छे काम से ही हम लोग प्रभावित हैं। क्या क्या अच्छे काम किए कुछ गिना पाएंगे? बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छा काम किए, जितना नहीं होना चाहिए उतना अच्छा काम किए, बहुत ज्यादा काम कर दिए हैं। इसमें कहने गिनाने की बातें नहीं है। अच्छा, गिनाने लगेंगे तो रात हो जाएगी, गिनाने लगेंगे तो रात हो जाएगी, इतना ज्यादा 365 योजनाएं हैं। अरे तो मुझे सिर्फ 2-4 गिना दीजिए आप। 2-4 गिना, पहला तो किसान सम्मान निधि है जो सबको जो है मिल रहा है, 2000 रुपया मिल रहा है। इसके बाद में ये विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, और आयुष्मान कार्ड है जो 5 लाख का। और 2-4 आप बता दीजिए। बताए ना, राम मंदिर बना सबसे बड़ा काम तो वही है, उससे बड़ा हमको और क्या चाहिए। पहले की जो सरकारें होती थी वो काम करके बताती नहीं थी, वो काम करती थी। अच्छा, अब ये जो सरकार है ये काम नहीं करती बल्कि ये दिखाती ज्यादा। अच्छा, ये अन्य सरकारों में इस पे ये अंतर है। मतलब काम हो ना हो दिखावा ज्यादा है, दिखावा ज्यादा है, दिखावा ज्यादा है। जैसे यहाँ का मांग मेला हुआ है, पोस्टर बैनर करोड़ों की संख्या में लगा, डबल इंजन की सरकार, क्या समझे? अनेक बातें जो है पोस्टर बैनर के साथ, इतना झूठा चीज बोल रहे हैं, गरीबों की गरीबी हट गई। अच्छा, सबको रहने की व्यवस्था कर दिए हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार हुआ है। ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। सच्चाई नजर आ रही है इनकी बातों पे। इस सरकार में जो भी छोटे बिजनेसमैन है वो तुम हैं। अच्छा। और ऐसी गवर्नमेंट तो कभी हुई नहीं। 15 लाख रुपए सबके खाते में आ गए, किसान जी गया, गरीब सब एकदम अमीर आदमी हो गए। कुछ तो अच्छा किया होगा इस सरकार ने। एक काम बढ़िया किया, झूठ बोलना बढ़िया सिखा दिया सबको, झूठ बोलना। आपके हिसाब से
कुछ बदलाव? क्या बदलाव हुआ, इतनी बढ़िया कर दिया कि जो बेरोजगार थे वो रोजगार पाने की स्थिति पे आज भी नहीं है। अच्छा। और शिक्षा कितना अच्छा है सभी जान रहे हैं, नौकरियां कितनी मिल रही हैं सब पता है, खाली फार्म भरवा दें जेब अपना भर लें, और टेंडर उसी को दे रहे हैं बार बार जो बार बार आउट करा रहा है। तो नो डाउट सिर्फ दो ही काम इन्होंने अच्छा किया, एक राम मंदिर जो बहुत जरूरी था, नो डाउट इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और 370 इन्होंने जम्मू कश्मीर से हटा दिया। बाकी इनकी जितने काम हैं सब कुछ भी अच्छा नहीं है, जैसे बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जितने पढ़े लिखे समाज जो भी है, जो भी तैयारी आज 10-10 साल से 2014 से इनकी गवर्नमेंट आई है और आज तक लेकर बच्चे इतने जो है फ्रस्ट्रेशन में, इतना काम सब कुछ जो है पढ़ाई लिखाई सब कर रहे हैं, लेकिन एक भी वैकेंसी, पुलिस भर्ती आई वो भी लीक हो गई, आरओ आई वो भी लीक हो गई, लोक सेवा आयोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसके पेपर लीक हो रहे हैं, और मौजूदा जो ऑनरेबल हमारे मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर जो है इस समय मौजूदा सरकार में, ईमानदार है नो डाउट, लेकिन इनका नियंत्रण इनके अधिकारियों पर नहीं, जैसे जुमलेबाजी में इनको, जैसे देश को चलाने के लिए सिर्फ तपस्वी होना जरूरी नहीं है जो है, इनको शासन का ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। जैसे हम जिस भगवान राम की प्रशंसा करते जिनकी दुहाई देते हैं, उन्होंने सिर्फ राज्य नहीं किया वो शासन भी, जैसे बाबा जी ने मानस से मैं दूंगा क्योंकि मौजूदा सरकार राम जी को ज़्यादा लेके चलती है, लेकिन राम के कर्तव्यों को फॉलो नहीं कर रही, जैसे लिखा गया है कि जास राज्य में प्रजा दुखारी सो निप अवश्य नरक अधिकारी, जिस राज्य के राजा जिस राज्य के राज्य में प्रजा दुख करती है वह अवश्य नरकगामी होता है, एक चीज। दूसरी चीज, जहां तक स्थिति बेरोजगारी आज जाइए भ्रष्टाचार, जहां 10 रुपये लेकर काम होते थे, पहले भी सरकारें भ्रष्ट थी नो डाउट, भ्रष्टाचार होता था, लेकिन सिर्फ जुमलेबाजी नहीं करती थी वो, काम करती थी मौजूदा सरकार, जो पहले की सरकारी गवर्नमेंट, चाहे भ्रष्टाचार देखिए कोई यहाँ हरिश्चंद्र नहीं है सब हैं, लेकिन इस सरकार में क्या है, हो कुछ नहीं रहा, जुमलेबाजी ऊपर से, अधिकारी घुस ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, फिर भी ईमानदार बने हुए, और मौजूदा सरकार में ब्यूरोक्रेट्स पर कोई नियंत्रण नहीं है, चले जाइए किसी भी सरकारी ऑफिस में बिना घुसखोरी के चलता नहीं, 10 रुपये का काम जो लेकर होता था आज 500 रुपये में हो रही है। रही बात शासन की, सत्ता की, गरीबों से आज भी जाकर जो सो रहा था, जो आज भी गरीब जो है नीचे सो रहे थे वो आज भी सो रहे हैं, जो अमीर हैं वही अमीर बनते जा रहे हैं। और रही बात शिक्षा की, बात शिक्षा की, इतनी दुर्दशा मैंने कभी नहीं देखी, आज जो पीएचडी करके लड़का रोड पर जाकर चाय बेच रहा है, सोचिए, कहते हैं कि मैंने रोजगार दिया, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल प्रधानमंत्री साहब रोज रोजगार दे रहे हैं, प्रतिदिन दशा ये है कि 100 वैकेंसी 100 सीट आती है उस पर 50 लोग फार्म भर रहे हैं, सफाई कर्मी की जो है वैकेंसी आ रही है उसमें पीएचडी वाले का, देश का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। अब तक आपने सुना शहरी इलाके के लोगों को, अब जरा चलते हैं गांव और देहात में, जहां पर गांव वालों से जानेंगे कि क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव के बारे में। वो यहां चुनाव का माहौल ऐसा है कि यहां अब जनता इस बार माहौल दूसरा देखना चाहती है, अभी तक जितने भी यहाँ के प्रतिनिधि थे, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, समझेंगे सब जीत के चले जाते हैं और कुछ भी समझेंगे उस समय देखने के आते नहीं है। और समस्या सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग लाइक तो करते हैं मोदी के नाम पर, यहाँ का सांसद जितने भी हैं, मैं तो किसी डर नहीं रहा हूँ ना दब रहा हूँ, 2019 के चुनाव से लेकर के अभी तक, चाहे श्यामाचरण गुप्ता जी रहे हों, चाहे ये रीता बंगुड़ा जोशी जी रही हों, चाहे जो भी रहा हो, केवल नाम से जो है काम हो रहा है, समझा, ये लोग अगर आते हैं समझ गए तो संभावना बहुत गलत है, समझ गए, वो अपना कैंडिडेट दे देते हैं, चाहे जो भी दे देते हैं, समझ गए, कुत्ते को भी अगर दे देंगे तो भी चुनाव जीत जाएगा। समस्या इस बात का है कि जो लोकल प्रतिनिधि अपने, चाहे इलाहाबाद का हो, चाहे मिर्जा का हो, चाहे करछना का हो, चाहे बारा का हो, चाहे जहाँ का भी हो, ये लोग जो है अपने चमचों पर अपने विशेष उस पर ध्यान देते हैं। अब विकास जौन बास सब गांव देश में वहाँ से बहुत पैसा भेजा, यहाँ आधा ही हो आधा हो बन कर रहे हैं, लैट्रिन फैट्रिन ऐसा बना है कि खाई पदाई के सब खेला ही खत्म। अच्छा, आपको पता होगा जो एक लैट्रिन बनने के लिए आती है उस सरकार आपको सहायता राशि के रूप में, कोई राशि नहीं दी है, ईंटा 3 नंबर 3-4 नंबर का खरीद के लिए आए कि ईंटा पत्थरा जोड़वा दे, 2 महीना के बाद पौ हो गया, अब गरीब है तो अपन पैसा लगाओ ना खेत उत में, जी तो वही से नहीं तेरा लोटा लेके चलो घूमो,
18 किलोमीटर बहन बिटिया कह जाए सब बात कहे चाहे कहे ना बताओ भाई। नहीं नहीं बिल्कुल है बताओ भाई चाहे आपको जो सकते हैं भाजपा सरकार बढ़िया भाजपा सरकार अच्छी है तो वो विकास तो कर रही है विकास करता तो जब कर ही पाए तब पूरा विकास हो तब था सबसे बढ़िया भाजपा सरकार भाजपा सरकार तो स्टैंडर्ड है मोदी तो पूरे विश्व में हिंदुस्तान का बात तो ही छोड़ा और वहां से मान लो मोदी बहुत दे दिए और यहाँ मिलने ही नहीं है कोटे कोटा पे जाओ सौ कार्ड का वो आएंगे प्रधान नहीं नहीं सब पूरा हो गया सप्लाई इंस्पेक्टर आएंगे नहीं नहीं सब पूरा हो गया वहीं 200-500 पाए काम खेला खत्म आप प्रधान के पक्ष में है आपका बन गया आप प्रधान के विरोध में है नहीं बनेगा। ये कौन सी जगह है? ये जवनिया पावर हाउस। पावर हाउस और इसका जिला कौन सा पड़ता है? इलाहाबाद प्रयागराज। प्रयागराज क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल मोदी का है सर। अरे कोई और भी तो होगा सर? कोई नहीं है यहाँ तो मोदी के अलावा क्यों नहीं है कोई नहीं। आपको क्या लग रहा है भैया? मोदी के अलावा क्या है ये बात मोदी है ही है 24 तक में क्यों मोदी नहीं लाई सर? समोसे बहुत खूबसूरत हैं आपके थोड़ा ये भी बता दीजिए माहौल क्या कैसा चल रहा है यहाँ का? ठीक है मोदी आएंगे और क्या। अरे भाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया हो सकता है टक्कर दे दे। कुछ भी हो कोई टक्कर नहीं चलेगा उनको आना ही आना है कोई भी टक्कर आए सब भस्म हो जाएगा। अब गांव में हम कुछ दुकानदारों से मिलते हैं और जानते हैं ये किसका लग रहा है यहाँ पर माहौल? बीजेपी का। अरे भाई समाजवादी पार्टी कांग्रेस बीएसपी इतनी सारी पार्टी नहीं, नहीं, नहीं कोई नहीं बीजेपी 400+ जी। क्या ऐसा भाजपा ने कर दिया खास? भाजपा ने बढ़िया ही कार्य कर रहा है और कर भी रही है। माननीय आदित्य हमारे मुख्यमंत्री जी योगी नाथ जी हैं वो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी बढ़िया काम कर रहे हैं देश हित में काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो कोई और टक्कर में है इसके? बीजेपी के टक्कर में सर कोई नहीं है बीजेपी ही आगे बढ़ेगी और बीजेपी को ही जिताना है वो 400+ में जाएगी बीजेपी। लगता है भाजपा के बहुत बोलबाला चल रहा है आगे की छत्र में चलते हैं वहां भी जान लेते हैं कि क्या चल रहा है क्या लग रहा है किसका प्रयागराज में बोलबाला है? प्रयागराज में इधर भाजपा की बोलबाला रहे भाजपा। राम मंदिर बनने के बाद कुछ असर हुआ है? राम मंदिर के बाद छोड़िए ना राष्ट्र विकास में बहुत आगे चल रहे हैं ना राष्ट्र विकास में हम लोग का देश की उन्नति विदेशों में बहुत तरक्की कर गया ना। अच्छा इसलिए देखते हुए जो है भारत सरकार भाजपा की होनी जरूरी है तभी जो है देश की उन्नति होगी और शक्तिशाली देश मजबूत बनेगा। भाजपा हर काम की है हर कोई बच्चा जानता है कि हर जगह हर काम हो रहा है रोड बन रहा है सड़क बन रहा है गैस की सुविधा मिली है शौचालय मुफ्त मिला है हर चीज मिली है बीजेपी सरकार में और हम लोग के तरफ बीजेपी की बोलबाला है क्योंकि हम बिलोंग करते हैं देवरिया से रहने वाले हैं सलेमपुर देवरिया जिला के तो हम लोग के बीजेपी का ही गढ़ है उधर तो। अच्छा अच्छा तो राम मंदिर बनने से कुछ फर्क आएगा? बहुत फर्क होगा हिंदू में आस्था जगी जो आज तक काम नहीं हुआ हो आज काम हुआ है अब अच्छा। अब जाकर वही सरकार में हुआ मोदी जी ने हर के वो नक्सलवादी सबको हटाए वहाँ से जो बैठ कर खाते थे सब फ्री का चावल फ्री का राशन और फौज पे गोली चलाते थे पत्थर चलाते थे सब। अच्छा मतलब कहीं ना कहीं आपकी नजर में बहुत अच्छे काम बहुत अच्छा बीजेपी काम कर रही है और बीजेपी की सरकार फिर इस बार आएगी 400 पार होंगे। हाँ 400 से ऊपर भी होंगे 400 से तो होंगे। किसका बोलबाला लगेगा आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो बस योगी जी। योगी जी कौन जीतेगा आपके हिसाब से? समय बताएगा कौन जीतेगा कौन हारे। और आपका सपोर्ट किधर जा रहा है? हम लोगों का सपोर्ट तो मोदी जी का है। मोदी जी राम मंदिर बनने से कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको? इससे कोई फर्क नहीं सब सही है। तुम बताओ भाई तुम बता दो। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है बहुत वीआईपी लग रहा है आप सुबह तो लग रहा है चलो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। दर्शन तो हो गए। अच्छा अरे जो गंगा सागर से दर्शन में छिपा आई किसकी सत्ता मजबूत दिख रही है आपको? सत्ता किसकी दिख रही है? किसकी दिख रही है अभी तो भी नहीं मालूम है क्या बताएं। खुल के बोलिए ऐसा लग रहा है जैसे कि सांसदी का चुनाव आपके भैया लड़ रहे हैं और आप कुछ छुपा रहे हो किसी और पार्टी से कि कुछ बोल दिया तो भैया नाराज हो जाएंगे नहीं बोल दिया तो कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे। नहीं उसमें कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ काम हुए? हाँ कहाँ काम हुए काम हुए काम हुए हैं जो हुआ है। अच्छा अच्छा तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? अभी तो हमको किसी का नहीं लग रहा है। आप बताइए सर किसका लग रहा है भारी आपको?
हम यहाँ के वैसे रहने वाले, हम तो हैं जौनपुर के। अरे जौनपुर में किसका, पूरे देश में चुनाव होगा ना इस बार पीएम का, अब वहाँ बताओ वहाँ का माहौल बताओ। वहाँ तो इस बार वही अखिलेश सरकार लग रहा है। हमको तो लगता है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। क्या क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने जो आएगी वो? बात ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया है कि हमारे देश में, कि जहाँ तक कि अक्सर रोड थे, पुल थे, जहाँ पे बिगड़े हुए थे, सारी सुविधाएं वहाँ की मतलब जारी रख दी है। इसके बाद वहाँ अधिकतर काम हो चुके हैं। तो कुछ लोग समाजवादी पार्टी को काफी पसंद कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं भाजपा का बोलबाला दिख रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और भी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।